हाँ सर बिल्कुल। अरे कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, ओके। गोवर्धन दास दुबे। क्या हुआ गुरु, चोरी हो गई साइकिल या भैंस? आपको हमें देख के ऐसा क्यों लगा कि हमारे पास साइकिल होगी या भैंस? भाई आपकी शक्ल देख के तो ये लगता है कि आपके पास साइकिल होगी या फिर काली भैंस। हमारे पास साइकिल या काली भैंस होना हो, पर आपके पास काला धन जरूर होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आए अंदर करवा देंगे अंदर। फिलहाल अंदर तो आप जाएंगे, हम विजिलेंस डिपार्टमेंट से आए। हम है शर्मा जी, ये है वर्मा जी। और हमें खबर मिली है कि आप इनसे 1.5 लाख रुपए रिश्वत लिए हैं और डिलीवरी मिठाई के डब्बे से हुई है। देखिए आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो हमारी तलाशी ले लें। तलाशी तो हम लेंगे, पर आपकी नहीं, आपके घर की। हाँ हम आपके घर भी गए थे, वहाँ ताला लगा था। देखिए हमारी बीबी अक्सर घूमती रहती है, अभी हम उसको फोन करते हैं। नहीं कोई फोन वो नहीं, जब तक तलाशी पूरी नहीं हो जाती तब तक आप कोई फोन नहीं कर सकते। चलिए हमारे साथ चलो। अरे बेबी हमें तुमसे कुछ बात करनी है। ये 3 idiots कौन है? हम आपको 3 idiots दिख रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। तलाशी ले उनके घर की। तलाशी क्यों? अरे आपके पति ने हमसे रिश्वत ली है 1.5 लाख की। क्या? 1 मिनट ना भाई साहब, कसम स्वर्गीय अमरीश पुरी की, यहाँ तुमने ये बात हमसे छिपाई? ये क्या बोल रही है? ये हमसे कह रही हैं कि हमारे घर में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं। यही तो। कितने शरीफ हैं अभी पता चल जाएगा। तलाशी लो इनके घर की। सर कुछ नहीं मिला। देखा? अरे आप यहाँ वहां क्या देख रहे हैं? मैंने मिठाई के डिब्बे में दिए थे 1.5 लाख रुपए। ये मिठाई के डिब्बे कहाँ है? मिठाई के डिब्बे, हाँ 1 सेकंड, ये देखे मिठाई के डिब्बे, लेकिन खाली है, ये सारे खा गए। अरे ये वो डिब्बे नहीं है, वो तो दूसरे थे। दूसरे डिब्बे? अरे हाँ याद आया, उन डिब्बो के बारे में बात नहीं कर रहे जो हम भगवान जीजा जी के यहाँ छोड़ा है। ये भगवान कौन है? वो हमारे साड़ू है। रिश्वत का माल रिश्तेदारों के यहाँ छुपा के रखते हो? ले चलो अपने साड़ू के यहाँ। 1 मिनट सुनिए, हम भी साथ चले। हाँ चलो, थोड़ा हौसला बढ़ेगा हमारा। नहीं थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा।